एके मिश्रा जी, एक छोटे गणित पर बात कर लेते हैं। हमारे दोस्त मुन्ना खान कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा कि महिला परेशान और किसान परेशान और युवा परेशान। आधी आबादी है महिला की, क्या 60% स्त्री पुरुष मिला के किसान है, क्या 40% के 42% युवा है। फिर अगर कांग्रेस की बात हम सही मान लेंगे, सब परेशान है, तो भाजपा की सीट तो आनी चाहिए थी 4 और कांग्रेस की आनी चाहिए थी 400, नहीं उनकी आई 303, इनकी आई 44। मिश्रा जी, और ये बता रहे पूरा देश परेशान है। परेशान आदमी उसको वोट तो नहीं दे सकता नींद में भी, जो उसकी परेशानी का कारण हो, ऐसा बौरा तो कोई नहीं। हाँ अमिताभ जी, जी जिस परिवार की संकल्पना मुन्ना खान करते हैं या और विपक्षी नेता करते हैं, उस उनके कॉन्सेप्ट में उनको ये लगता है कि पूरा देश परेशान है, सुखी केवल तेजस्वी यादव लालू यादव का परिवार बनता है या गांधी परिवार बनता है। ये इतिहास रहा है 70 सालों से 60 सालों से, इसीलिए तो सत्ता परिवर्तित हुई। और रही बात ये किसानों की बात कर रहे हैं, जो 700 किसान या 1000 किसान बैठे थे, भारत को परिवार मानो, भारत का प्रधानमंत्री 40 करोड़ जनसंख्या आपको परिवार का अंग मानने के लिए तैयार है। भारत के 9 डिजिटल के माध्यम से भारत मेरा घर है, भारत को अपना घर माने, भारत को वो अपना घर मानेंगे तो भारत उनको अपने परिवार का सदस्य मानेगा। मुन्ना खान भारत को अपना घर मानने को तैयार है तो भारत इनको अपने परिवार का सदस्य मानने के लिए तैयार है। पांडे जी, किसान परेशान, युवा परेशान, अगड़ा परेशान, पिछड़ा परेशान है, सपाई परेशान, बसपाई परेशान, कांग्रेस परेशान, महिला परेशान, सब परेशान मान लिया, ठीक। फिर एक गणित रखता हूं छोटा सा, वो सब परेशान लोग वोट भी डालते, ऐसा तो नहीं कि उनको वोट डालना नहीं आता। देश के, ध्यान से सुनिए, देश के 14 राज्य ऐसे हैं बड़े छोटे, जहां संख्या सीट की छोड़ो, जहां बीजेपी को मिला 19 में वोट का प्रतिशत 51%, 50 नहीं 51% को क्रॉस कर गया और 68% तक गया कई राज्यों में। कीर्तिनिधि जी, तो जो सब परेशान बताए जा रहे हैं वो लोग वोट नहीं डालते। और ऐसा मैंने कोई बौरा देखा नहीं पगल, जो दुखी हो, परेशान हो और दुख हो परेशानी देने वाले के पक्ष में वोट कर आए, ऐसा तो बौरा कोई नहीं। पांडे जी, देखिए अमिताभ जी, जी आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं जी, और बहुत दिनों से पॉलिटिक्स को बहुत करीब से कवर भी किया, खबर को देखने का अपना अपना नजरिया है। अगर आपको महसूस हो रहा है कि महंगाई नहीं है, सिलेंडर 400 का 1000 नहीं, मैंने सिलेंडर, मैंने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर दे दो मुझे। और अगर आपको लगता है कि पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े, डीजल के दाम नहीं बढ़े, महंगाई किचन की नहीं बढ़ी, तो ये आपका नजरिया है, लोगों तक इसका असर है। और जहां तक आप चुनाव जीतने और हारने की बात कर, आप तो 51% वोट की बात कर रहे हैं, मैं तो उन राज्यों की बात कर रहा हूं जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं थी, तोड़ करके सरकार बना लिया दूसरे दल के विधायकों को। और किस परिवारवाद के पे हम मोदी जी हमला कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर संजय निषाद के परिवारवाद पे हमला करेंगे, ओम प्रकाश राजभर के परिवारवाद पे हमला करेंगे, अनुप्रिया पटेल के परिवारवाद पे हमला करेंगे, शिंदे के परिवारवाद पे हमला करेंगे, अजीत पवार के परिवार पे हमला करेंगे। ऐसे भारतीय जनता पार्टी में भी सैकड़ों नेता हैं जो अपने एमपी हैं, उनके बेटे एमएलए हैं, और गृह मंत्री जी के बेटे तो अच्छे क्रिकेटर हैं, सचिव हो गए बीसीसीआई के, अच्छे पद पर हैं। तो परिवारवाद की संज्ञा में भी आता, और परिवारवाद के सारे पोषक वाले भारतीय जनता पार्टी के अलायंस पार्टनर हैं।
कभी उनको हटा देते अपने पास से। तो मैं जानता मोदी जी परिवारवाद के खिलाफ। और जो बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि अगर ये अखिलेश यादव के डेडिकेटेड ना हो तो ये भी मोदी के परिवार होते, मैं मोदी का परिवार नहीं, मैं भारत का परिवार हूं और इस देश के रहने वाला हर बच्चा बच्चा भारत का परिवार है। ठीक, आप मोदी के परिवार हो सकते हैं। ठीक है दिनेश जी, रुकना होगा, मैं आलोक वर्मा के पास अभी रुक। ठीक है कीर्ति बाबू रुको, मैं बात समझ नहीं पाया। मैंने एक बड़ा मासूम सवाल पूछा था, ये वोट जापान वाले डाल रहे हैं कि पाकिस्तान वाले? भारत की जनता वोट डाल रही है क्या? आपकी कोई जनता दूसरी है यार, आज तमाशा कर रहे हो क्या? जनता भी सबकी अलग अलग है कि सपा की जनता अलग है और भाजपा की अलग, कांग्रेस ही अलग ले आई जनता ना? अभी ने, अभी ने कीर्ति जी, अभी ने, अभी ने दूसरी बात उन्होंने कही के भाई, जहां 62% 63% वोट भाजपा को मिला, वहां वोट किसने डाला? भारत की जनता नहीं डाला, यूथोपिया की जनता ने डाला। अरे बौरे हो क्या भाई, किसी बात कर रहे हो यार? वही मैंने कहा ना, अपना नजरिया ना, 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 नजरिया नहीं, ना ना नजर, ऐसे करने से नहीं चलेगा वो कीर्ति बाबू, ना नजरिया नहीं है, ये तथ्य है। 68% वोट अगर भाजपा ने उत्तराखंड में अपने लिए एक्वायर किया तो वो जनता ने वोट दिया ना भैया, आपके हमारे नकारने से तो बात नहीं बनेगी। अगर आपको जो लोकसभा के चुनाव में 5 सीट मिली तो 5 ही मानी जाएंगी, उनको 25 कैसे काउंट कर लेगा कोई? ये समस्या है। रुक जाओ अभी, आलोक वर्मा जी, आलोक वर्मा जी, आपने सुना बात मोदी के परिवार से, मोदी का परिवार नहीं, इस जुमले से लालू यादव ने एक शगुफा छोड़ा। मुझे लग रहा है कि सारा क्रेडिट समीक्षाकार मणिशंकर को और राहुल जी को दे रहे थे दो चुनाव का। लालू जी के मन में अकुलाहट हुई होगी कि भाई ये क्या हमसे बड़े नेता हैं, हैं? 24 का श्रेय मैं लूंगा सरकार बनवाने का, देखे कौन माइका लाल रोकता है। ठीक है मैं बुजुर्ग हो गया हूं, लेकिन इतना भी बुजुर्ग नहीं हूं कि बवाल ना करा सकूं। क्या इसको लग रहा है ऐसी थ्योरी? चूंकि हम लोग तो भाई देख रहे हैं राहुल जी को 19 का क्रेडिट और मणिशंकर को 14 का क्रेडिट। मैंने मंचों से कहा कि भाजपा को इनके घर मिठाई भेजनी चाहिए, जितना काम भाजपा के प्रवक्ताओं ने नहीं किया, नेताओं ने नहीं किया, उससे ज्यादा काम इन लोगों ने किया। एक बयान और धारा पलट गई। मुझे तो गुजरात का चुनाव याद है, मुन्ना खान बैठे हैं, इनको इनको समझा दूं, अशोक गहलोत वहां प्रभारी थे। वोटिंग से 3 दिन पहले रात में 12 बजे अशोक जी का फोन आया कि क्या चल रहा, कैसा, आपको क्या लगता। मैंने अपने आकलन बताया, मैंने उनसे पूछा, सत्य घटना बता रहा हूं। अशोक गहलोत छोटे नेता ने बोले कि अग्निहोत्री जी अगर 3 दिन हम यहां पर कंट्रोल कर पाए, सुन लो भैया पांडे जी क्या मुंह पे, तो बोले चुनाव बढ़िया जा रहा है। लेकिन होनी कहां टले, जैसी होए भवितव्यता तैसे मिले सहाय, तुलसी बाबा लिख गए। अचानक से वोटिंग से 2 दिन पहले, 48 घंटा पहले, आदरणीय प्रखर नेता, गांधी परिवार के सलाहकार रहे, प्रातस्मरणीय मणिशंकर अय्यर प्रकट हुए और उन्होंने कहा ये मुंह बना के कि ये मोदी ये नीच आदमी है क्या। उसके बाद मोदी जी को एक सभा करनी थी, बोलो जय श्री राम, हो गया काम, चुनाव ही पलट गया। बाद में मैंने कांग्रेस नेताओं से पूछा तो उनने मणिशंकर जी के लिए बड़े पवित्र शब्दों का स्मरण किया जो टीवी पर मैं नहीं बता सकता। क्या सच्चाई बता दी, सच्चाई घटना, इसलिए मैंने मणिशंकर जी को क्रेडिट दिया, ऐसे नहीं दिया मालिक, उनका योगदान है भाजपा की सरकारों में। आलोक वर्मा जी, जी जी अंता भाई आवाज आ रही है आपकी जी, मैं वही पूछ रहा हूँ कि क्या लालू जी के मन में ये आया कि भाई सारा क्रेडिट हर बार मणिशंकर या राहुल गांधी क्यों ले, इस बार हम लेंगे, ऐसा कुछ लग रहा है? नहीं ठीक बात है, देखिए लालू जी को भी पता था कि हारना है, बिहार में भी हारना है और हिंदुस्तान में भी हारना। नीतीश कुमार ने बता दिया, जो पूरा सिराजा अपने कंधों पे लेकर के चले थे किस तरीके से वो बिखर गया, तो अच्छी तरीके से जानते हैं। अब तो आईने की तरह साफ है, किसी भी पत्रकार साथी से पूछिए, जमीन पर आप जाइए, गांव गांव जाइए, नगरी नगरी जाइए, या किसी से भी पूछिए कौन जीत रहा है, मोदी जी जीत रहे हैं। सवाल यह है कि मोदी जी क्यों जीत रहे हैं, क्योंकि
अब तो हमारे सामने जो पार्टियां खड़ी हैं वही जाति जमात की सियासत करती हैं। मोदी जी विकास की सियासत करते, हालात बदलने की सियासत करते, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, पर्सनल जाने के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। आप विकास की बात कीजिए हमको अच्छा लगेगा, आप किसानों की बात करते हैं लेकिन वो छोटी बातें होती हैं, आप नौजवानों की बात करते हैं, आप सड़कों की बात कीजिए ना साहब, आप बिजली की बात कीजिए ना, किस तरीके से हिंदुस्तान और खासतौर से उत्तर प्रदेश किस तरीके से गोरखपुर बदला, हमारे समाजवादी पार्टी के साथी गोरखपुर है वो अच्छी तरीके से जाएं देखें और देखते ही होंगे, उनकी मजबूरी है, अखिलेश यादव जी ने कह रखा होगा, लाइन पकड़ा रखी होगी, किसी लाइन पे आपको बोलना है तो उसी लाइन पे बोलेंगे, लेकिन गोरखपुर कैसे बदला है वो अच्छी तरीके से जानते हैं। किसी भी शहर में आप चले जाइए, उत्तर प्रदेश से पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण आप जाइए, आपको बदला हुआ शहर नजर आएगा, चाहे वो सड़क पानी बिजली की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, किसानों की तरक्की की बात हो। तो शायद जो आकांक्षा इस देश की है, बदलने की जो आकांक्षा इस देश के सीने में दफन थी, मोदी जी ने उसे उभारा है। शायद इसीलिए हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं, बड़े अभिमान के साथ कहते हैं कि देश हमारा है। हम जब उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि 80 सीटें जीत रहे हैं और 400 के पार हम हिंदुस्तान में जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि केवल हम हवा हवा में कह देते हैं। हमारे पास अपना आंकड़ा है, लोगों का अपना जो साथ है, लोगों का जो विजन बन रहा है उसके आधार पर कहते हैं। तो मुझे लगता है कि अब ये देश उस तरीके की सियासत अब बहुत आगे नहीं बढ़ा पाएगा जहां आप समीकरण बनाते हैं, इसको इसको जोड़ा, उसने ये प्लस किया और आपने चुनावी वैतरणी पार कर ली। अब वो समय नहीं रह गया, अब सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास ही चलेगा, यानी कुल मिला के सबको साथ चलना पड़ेगा, सबको इस देश के हालात को बदलने के लिए अपना साथ देना पड़ेगा। जी एके मिश्रा जी, बहुत सारे धार्मिक लोग, बहुत सारे सामाजिक लोग, बहुत सारे अकादमिक क्षेत्र के विभूतियां, बहुत सारे राजनेता और हमारे यहां तो समाज के बड़े बूढ़े सब कहीं भी संबोधन करते तो कहते मेरे बच्चों, कोई पूछे तो कहते अरे सा हमारे लिए सब बच्चे ही हैं, लेकिन लालू जी की बिटिया और अखिलेश जी के सांसद ये सब मिलके कह रहे कि ना जी बल्दियत का सर्टिफिकेट दिखाओ तब मानेंगे बच्चे। अगर गांधी जयप्रकाश और लोहिया होते तो लालू जी की बिटिया और ये अपना मुरादाबाद वाले सांसद अखिलेश जी के ये उनको भी गिरा लेते, कहते बल्दियत का सर्टिफिकेट लाओ, बोल रहे हो देश हमारा है, हमारा परिवार है, नहीं मोहल्ला टोला में भी हम लोग निकलते हैं तो कहते भाई ये तो हमारा घर है, ये मोहल्ला नहीं हमारा घर है, ये जिला नहीं हमारा घर है, ये नहीं तो ये लोग तो सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, कह रहे वो लाओ डीएनए बल्दियत बर्थ सर्टिफिकेट क्या बोलते हैं उसको। ये शगन पुराना है, आदत पुरानी है। अखिलेश यादव जी को जब पार्टी का अध्यक्ष बनना था तो पार्टी किसकी है इस पे जो बवाल हुआ था वो वल्दियत के कारण ही हुआ। मुलायम सिंह यादव ने देखा कि वल्दियत किसकी है भाई, पेपर दिखाया अखिलेश यादव ने, मेहनत की शिवपाल यादव ने, उन सबको साइडलाइन कर दिया। यही हाल गांधी परिवार में कांग्रेस में है भाई, अगर आप दिखा सकते हो वल्दियत कि आप गांधी नेहरू के खानदान के हैं तब तो आपको वहां पे प्रधानमंत्री या अध्यक्ष कोई इंपॉर्टेंट चीज, अदरवाइज वहां पे नेता वल्दियत के हिसाब से ही चलेगी। ये कानून भारत का नहीं है, भारत भूमि का ये कानून नहीं है। अगर भारत भूमि का ये कानून रहा होता, मैं हजारों साल की बात कर रहा हूं, तो तरह तरह के खानदान के लोग यहाँ पे राजा हुए। एक सवाल मैं और, जो डिबेट में आजकल चलती रहती है, हमारे डिबेट में भी चला है, बार बार ये लोग बोलते हैं कि जी मोदी जी घर छोड़ के चले गए। अरे मैंने बोला उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, जब आप बुद्धत्व को प्राप्त होते हैं, जब आपका दिमाग खुलता है, जब आपका हृदय विशाल होता है, तो भगवान बुद्ध भी अपने परिवार को राजमहल को छोड़ करके पूरे विश्व को, पूरे धरा को, पूरे भारतवर्ष के लोगों को उन्होंने अपना परिवार माना। शंकराचार्य ने पूरे भारतवर्ष के लोगों को अपना परिवार माना। अगर आपको कुछ महान करना है, कोई बड़ा नेता भी हो, अगर लोहिया जी भी हो, आप पूछिए ना लोहिया जी कितनी रात को अपने घर पे रुकते थे, मेरे ख्याल से हमेशा वो बाहर ही रहते थे, उनके लिए पूरा समाज परिवार, ठीक, जिन्होंने भी क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं उनके लिए पूरा देश परिवार है। ठीक ठीक है।